वेलकम बैक टू शाहिदा नास इजी डेली रेसिपी। आज मैं आपको तवे पर गेहूं के आटे के बने हुए बहुत ही नरम और मज़ेदार नान बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर और 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे और 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे मिलाएंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंदेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा गूंदना है। अब आटे के चारों तरफ हम हल्का सा तेल लगा लेंगे और ढक के इसे 1/2 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, नान बनाने के पहले इसे 2-3 मिनट और नीट कर लेंगे। अब जितने बड़े नान बनाना है उस हिसाब से आटा लेंगे, आटे को रोल करके उसे ओवल शेप में बेल लेंगे। सूखा आटा लगा के इसे हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और इस तरह से ओवल शेप में बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे हाथ में उठा के इसके सभी दूर हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे ताकि तवे पर ये अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल गर्म गर्म लोहे के तवे पर इसे डाल देंगे। पानी वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए और जब नान में इस तरह से बबल्स आ जाए तो तवे को उल्टा करके डायरेक्टली हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से नान कितने अच्छी तरीके से सिक गई है। और अब गर्मा गर्म नान के ऊपर बटर लगाएंगे और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार गेहूं के आटे से ये नान बनी है। अपनी किसी भी मनपसंद ग्रेवी के साथ इसे सर्व कीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।